भक्त श्रद्धालु आएंगे, सभी लोग यहीं पे प्रसाद पाएं। तो 6 बजे से नाश्ता चालू हो जाता है। नाश्ता और खाना नहीं सुबह का? सवेरे नाश्ता के बाद खाना। कितने? 10 से 12 बजे तक। और अभी शाम वाला खाना? अभी शाम का चालू हो जाएगा 2 घंटे। जितना भी श्रद्धालु है उनसे निवेदन करता हूँ, वो भी आए 5-7 दिन के अंदर में और अपना यहाँ आकर कथा सुने, बहुत ही अच्छा लगा हमको, बहुत ही अच्छा लगा। और आप भी आना चाहते हैं तो आ जाएं। जैसे कथा समाप्ति होने के पश्चात भक्त श्रद्धालु वहीं पे अपना गद्दा वद्दा लगा के, मतलब गद्दा मेर रहा है और सभी लोग को गद्दा वितरण कर रहे हैं और वहीं पे अपना गद्दा लगा के रात भर रुकने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और आप देख सकते हो वीडियो में कि सभी भक्त श्रद्धालु गद्दा बिछा के वहीं पे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और यहाँ जो रुके हुए हैं उनसे पूछते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है और उसके बाद आप लोग को भंडारे तरफ का वीडियो बताऊंगा, उस तरफ क्या क्या तैयारी हो गया है। सभी भक्त से निवेदन है कि अपने पैर से अंगूठी चाहिए। हम सरसुआ से हैं और मैं जितना भी श्रद्धालु है उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी आए 5-7 दिन के अंदर में और अपना यहाँ आकर कथा सुने, बहुत ही अच्छा लगा हमको, बहुत ही अच्छा लगा। और आप भी आना चाहते हैं तो आ जाएं, बहुत ही अच्छा लगा हमको और आप भी आए। तो हम लोग पहली बार आए। कहाँ से आए बताएं? सासीमा से। सासीमा से। और कहीं गए थे शिव पुराण सुनने के लिए? पहली आया था। पहली आया, पहली बार आया है। अच्छा, व्यवस्था वगैरह कैसा? एक नंबर का व्यवस्था है, पूरा हॉस्पिटल का व्यवस्था है, चाय का, चाय बिस्कुट खान पान सब का पूरा व्यवस्था है, किसी को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। हम लोग नहीं खा रहे भंडारे में खाना? नहीं नहीं नहीं, हम लोग घर जाएंगे, गाड़ी लेकर आए हैं हम लोग, पूरा फैमिली आए हैं। तो फिर आएंगे और अब समय निकालेंगे, आने का तो मन कर रहा है, हम लोग तो यहीं रुक जाते, घर में काम है थोड़ा से। अच्छा, तो यही प्रदीप मिश्रा जी का कथा चल रहा है जस्ट उस साइड, और यहीं पे भोजनालय का व्यवस्था किया गया है, जितने भी भक्त श्रद्धालु आएंगे सभी लोग यहीं पे प्रसाद पाएंगे। और करीबन 4 बजे स्टार्ट होगा और सब तैयारी लगभग हो गया है जैसे लग रहे हैं। इधर से एंट्री है और इधर आएंगे भक्त श्रद्धालु और यहाँ प्लेट और गिलास रखे हैं हुए हैं। मटर, दाल, दाल चावल सब्जी, दाल चावल सब्जी, टमाटर का चटनी खत्म बन रहा है। तो अभी कितना टाइम में लिखा ना? तो बस। और इस साइड देख सकते हैं इधर पूरा भंडारे का तैयारी इधर चल रहा है, चालू हो जाएगा। सुबह टाइम? सवेरे तो 6 बजे से नाश्ता चालू हो जाता है। नाश्ता और खाना नहीं सुबह का? सवेरे नाश्ता के बाद खाना। कितने? 10 से 12 बजे तक। और अभी शाम वाला खाना? अभी शाम का चालू हो जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे 6 बजे तो लगभग 12-1 बजे का फिर चालू हो जाएगा। तो कितना आदमी तक लगभग खिलाएं? तक खा सकते, टाइमिंग रहेगा सब कुछ। 1000 लिमिट नहीं है? कूपन कटेगा ना? अच्छा, कूपन तो खाली पैसा लगेगा? नहीं नहीं लगेगा, जो फ्री में है। तो 1000 आदमी है कि कम से कम कोई लिमिट है? आ सकते हैं जितने आ सकते हैं। आप जितना यहाँ आप सब्जी देख पा रहे हैं, ये सब जितने भक्त श्रद्धालु शिव पुराण कथा सुनने के लिए आएंगे और उनके लिए भंडारे का व्यवस्था किया गया है, तो ये सारा सब्जी भंडारे में बनने के लिए लाए हैं आप देख सकते हो। और सवेरे नाश्ता और दोपहर को खाना और शाम को भी खाना, उसका कूपन केवल कटेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा और सभी निःशुल्क प्रसाद यहाँ से प्राप्त करेंगे। तुम्हें खाना भी बनाया है? बस बीच में बनाए हैं सब्जी वब्जी? हाँ, खाना बनाता हूँ।
और यही पे 8 दिनों तक भंडारे बनाया जाएगा और जितने भक्त श्रद्धालु आएंगे सभी लोग को यहीं से प्रसाद मिलेगा।